वेलकम टू लॉन्ग टर्म शेयर्स। और देखिए हमारे चैनल है, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन यहाँ पे दबा दीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं बनाता हूँ, भरे पड़े हैं वीडियो एक से बढ़कर एक स्टॉक के। लेकिन कभी कभी कुछ स्टॉक में मैं रिकमेंडेशन या बुलिश नहीं हूँ, इसलिए ऐसा मत करिए कि आपने जो है स्टॉक का नाम पता कर लिया और आगे बढ़ गए और फटाफट वीडियो का एंड देख लिया कि भैया क्या है क्या। देखो समय तो निकालना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और इतनी मेहनत का पैसा, खून पसीने की कमाई आप डालना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको पूरा वीडियो एटलीस्ट देखना चाहिए। और मैं वैसे मैं छोटे छोटे वीडियोस, मेरी कोशिश रहती है कि मैं शॉर्टकट में आपको बेस्ट चीज़ें क्रीम निकाल के बताऊं कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो जुड़े हैं आप हमेशा हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज जो हम स्टॉक की बात करेंगे उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। पहले IDFC था, फिर कैपिटल फर्स्ट मर्ज हो गया, और इसमें अभी काफ़ी हल्ला मचा हुआ है कि ये जहाँ भी देखो सब जगह ये खबर आ रही है कि भाई नेक्स्ट ये HDFC बैंक बन जाएगा, ये नेक्स्ट HDFC बैंक बनेगा। तो हम HDFC के रिटर्न भी ये देखेंगे, रिटर्न नहीं, हम ये देखेंगे पहले HDFC की आज जो भाव IDFC फर्स्ट बैंक का है वो कितने साल पहले था HDFC का। क्या उतना पेशेंस है आप लोगों में, क्या उतना होल्ड कर सकते हैं जो आज HDFC जिस मुकाम पे आज खड़ा है। तो चलिए हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही लॉन्ग टर्म शेयर्स, और हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिंकू बी जी का, सर HDFC फर्स्ट बैंक का भी वीडियो करना प्लीज़। ऐसे मुझे कई सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ चुके हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो मुझे मजबूरन समय निकाल के, क्योंकि मैं भी थोड़ा काम धंधे वाला आदमी हूँ, बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं कंपनी के बारे में पढ़ता हूँ, बैलेंस शीट देखता हूँ, उसके प्रोडक्ट्स देखता हूँ, मैनेजमेंट देखता हूँ, तो उन समय थोड़ा समय लग जाता है बड़े भाई। मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही वो भी देखना पड़ता है, अलग अलग साइट्स पर जाके, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाके, तब उसके बाद मैं आपको बेस्ट बता पाता हूँ। और बेस्ट बताने में भी कभी भूल चूक हो जाती है, ऐसी मेरी कोशिश रहती है कि ना हो। तो चलिए आप के इस IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले मैं HDFC देखिए, यहाँ पे आज है 16 मार्च और आज मार्केट बंद है, शनिवार है, मंडे को खुलेगी। और आज का जो करंट भाव है IDFC फर्स्ट बैंक का 52 रुपये, यानी मतलब कल ट्रेड हुआ था फ्राइडे को, 52 रुपये 10 पैसे, 1 रुपये 65 पैसे की अपसाइड पे क्लोज हुआ था। 2019 है 16 मार्च, 3 साल से लिस्टेड है, और कैपिटल फर्स्ट अभी इसी मर्ज हुआ है IDFC में। और इनके जो वेदनाथ साहब हैं, इस कंपनी के जो बॉस हैं, उन्होंने कहा है कि ये HDFC बैंक आने वाले समय की बन सकती है, और भी मार्केट में कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो देखिए 3 सालों में 12% का रिटर्न है, मतलब 12.41% का रिटर्न है, और सेंसेक्स ने दिया है 54.88% का रिटर्न। 1 साल में 3.68% का रिटर्न है, और सेंसेक्स ने दिया है 12.88% का। ईयर टिल डेट 20%, ज़बरदस्त उछाल है इसमें जनवरी से, और 1 मंथ में 17% की इसमें बढ़ा था, 17% से ज़्यादा की, करीब 18%। 1 वीक में भी 6.5% का रिटर्न यहाँ पे दे रहा है, अच्छी बात है। पूरा ग्रीन में है, एक भी नेगेटिव में यहाँ पे लाल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट बैंक है, मार्केट कैप है 24,913 करोड़, और लार्ज कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.96% का डिविडेंड पे देती है। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.74, और नेट NPA 0.95%, ग्रॉस NPA 1.9%। इंटरेस्ट अर्न 3,664 करोड़ के, और नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली रिजल्ट्स दिसंबर 2018 में 1,538 करोड़ के डाउन साइड। हम आगे देखेंगे फाइनेंशियल में। तो क्या ये 52 रुपये का जो ट्रेड कर रहा है ये HDFC बन पाएगा, आइए देखते हैं। HDFC के साइड पे हम यहाँ पे मनी कंट्रोल में खोल लिए। HDFC का जो आज का भाव है 16 मार्च का 2,251 रुपये 50 पैसे, 28 रुपये की बढ़त थी कल के जो ट्रेड हुआ फ्राइडे को। और इसने यहाँ पे हाई बनाया था HDFC ने। खैर हम हाई लो पे नहीं जाएंगे, हम पहले देखेंगे चार्ट इसका, क्योंकि हम IDFC फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि लोग कह रहे हैं HDFC बैंक बन जाएगा, तो आज के भाव जो इसका है 2,251, तो ये 50 रुपये का भाव कब था। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं 2000,
2003 में 56 रुपये का भाव दिखा रहा है, 12 सितंबर 2003 में, और आज है 2019, तो उस समय 56 रुपये का था। उसने ज़बरदस्त देखिए ऊपर चढ़ता ही जा रहा, हर साल डिविडेंड दे रहा है, ज़बरदस्त ऊपर चढ़ता ही जा रहा, फिर यहाँ पे भी बढ़ता ही जा रहा है, डिविडेंड हुआ यहाँ पे, और ये छुपा है जो लाल लाल यहाँ पे स्प्लिट स्प्लिट हुआ इसने, मतलब 10 की फेस वैल्यू से आ गया था ये 2 की, मतलब एक शेयर पे 5 शेयर होगा जिनके पास था। तो यहाँ पे हर साल डिविडेंड डिविडेंड देते हुए चढ़ता जा रहा है HDFC की, ज़बरदस्त ग्रोथ है, ऐसे बैंक खरीदने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और आज कह रहे हैं लोग कि IDFC भी वैसा ही बैंक है, तो कुछ थोड़ा सा हम फंडामेंटल्स और चार्ट्स वगैरह उसके देखने की कोशिश करेंगे, क्या उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। तो भाई इसमें कम से कम आज 2019 है, तो 2003 में जो आज कैपिटल फर्स्ट का भाव है, सॉरी IDFC फर्स्ट का जो भाव है वो 2003 में था, तो 16 साल के करीब लगे, है ना। तो क्या 16 साल आप में पेशेंस है ऐसी ग्रोथ देखने के लिए? क्या 3 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, इतना पेशेंस है? इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है लॉन्ग टर्म शेयर्स। मैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आज भी HDFC अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, बड़ी अच्छी कंपनी है भाई। मैं तो हमेशा देखिए ये मैटर नहीं करता कि इसका अभी प्रीमियम क्या है, इसका भाव क्या है शेयर का 2253, लेकिन अगर ये हर साल रिटर्न अच्छा दे रहा है और कई गुना कर देता है कुछ सालों में आपका पैसा, तो कुछ ऐसी बैंकें भी हैं जो 15-15, 20-20 रुपये की हैं और 10 सालों में उनका नेगेटिव रिटर्न है। अब मैं दिखाना नहीं चाहता, कहने का तात्पर्य है कि डजंट मैटर कि आप शेयर की प्राइस क्या है, कंपनी की वैल्यू देखी जाती है कि कंपनी की वैल्यू जो करंट समय में है क्या उसका जो प्रीमियम है वो अच्छे लेवल पे है। तो कहने का तात्पर्य, आइए बढ़ते हैं अब हम IDFC फर्स्ट बैंक की बेसिक चीज़ें देखने पे। एवरेज क्वालिटी की कंपनी है एज़ पर मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर और इन नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ 5 ईयर की जो है 67.22% है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 5 ईयर्स की 44.74% की, अच्छी बात है। और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नो डाउट, इसका पी रेशियो 26.36 का और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, इसके पॉजिटिव स्कोर है 16, तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी अच्छे हैं। और हम रिजल्ट्स देख लेते हैं, देखिए इंटरेस्ट अर्निंग में इसकी 56.98% की जो बढ़ा था है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 1546% की बढ़ा था है, और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे माइनस में 316% है, ये थोड़ा सा कमज़ोर कड़ी है। और NPA भी देखो, नेट NPA भी में भी डाउन साइड दिखा रहा है, ग्रॉस NPA में भी थोड़ी सी 0.34% की डाउन साइड है। शेयर होल्डिंग परसेंट देख लेते हैं, प्रमोटर्स ने होल्डिंग घटाई है एनीवेज, यहाँ से पहले सितंबर में 56, चूँकि मुझे लगता है कि इसलिए घटाई होगी क्योंकि मर्ज हुआ है, तो थोड़ा सा बैंकों पे प्रेशर है कि अपनी होल्डिंग कम करें, ये RBI की तरफ से था, क्योंकि बंधन बैंक को भी उन्होंने कहा था कि आप अपनी होल्डिंग कम कीजिए, जबकि 80% उनकी होल्डिंग थी, फिर उन्होंने गृह फाइनेंस को मर्ज किया और काफ़ी होल्डिंग कम हुई है। अभी एग्जैक्ट क्या है उनके रिजल्ट देख के पता चलेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स की 15 स्कीम्स ने 2.72% ने पैसे लगा रखे हैं, और देखिए FIIs की यहाँ पे 180 लोगों ने पैसे लगा 13.43%, और म्यूचुअल फंड्स ने भी इंक्रीज़ की है, FIIs ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है, और इंश्योरेंस कंपनियों ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग घटाई है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो 20.95% है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है क्लोवर डेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 9.87% की भर रखा माल इन्होंने तगड़ा, है ना। और देखिए डिविडेंट 70 पैसे के इन्होंने July 18 में दिया था, अब मुझे लगता है जनवरी में इन लोगों ने मर्ज हुई है कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक, तो ये करीब जनवरी में इसी 2019 में, और तो इसलिए सारे डेटा अभी प्रॉपर दिख नहीं रहे। एनीवेज अभी तक तो रिजल्ट्स 2 दिसंबर 18 के दिखाई दिए, अब अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड भी पॉजिटिव है, और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव पे है। तो अब HDFC बैंक, देखो बैंक तो पहली बात तो हमेशा चलने वाली है और लार्ज कैप की बैंक है, और
धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती रही, सेल्स ग्रोथ, इंटरेस्ट अर्निंग अच्छी होती रहेगी, तो इसमें लिया जा सकता है। अभी तक का जो मैंने देखा इसका सारा कुछ डिटेल्स, और मैंने और भी कई वेबसाइट से पहले चेक किया था, तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा, बुलिश लगा, और रिटर्न भी अच्छे दे सकता है आने वाले अच्छे समय में। लेकिन HDFC जैसा चमत्कार हो जाए मे बी हो भी सकता है। देखिए क्या है, बैंक है, लार्ज कैप की बैंक है, धीरे धीरे अपना एक्सपैंड करती रही ब्रांचेज और कस्टमर्स बढ़ाती रही, अच्छी अर्निंग करती रही, अच्छी इंटरेस्ट अर्निंग करती रही, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये अच्छा रिटर्न दे आपको, है ना। तो फिर भी नज़र रखा जाएगा बीच बीच में, जिसके जैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं, इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आते हैं, इसके एनुअल रिजल्ट्स आएंगे, उन पर भी नज़र रखी जाएगी। और मैं तो कहूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको कुछ स्टॉक्स आप रखिए, पूरा पैसा मत लगाइए। जैसे कि आपने सोचा होगा कि मैं बैंकिंग सेक्टर में लगाता हूँ, ऑटो सेक्टर में लगाता हूँ, और बैटरी सेक्टर में जाता हूँ, ऑटो एंसिलरीज में जाता हूँ, है ना, केमिकल में भी जाते, तो तीन चार डाइवर्सिफाइड अलग अलग सेक्टर की अलग अलग स्टॉक की कंपनियां रखिए, कंपनियों के स्टॉक्स रखिए सॉरी। तो बैंक में आप IDFC भी ले सकते हैं, और बंधन भी मुझे अट्रैक्टिव लगता है। ये मत देखिए कि वो 500 का हो गया है, लेकिन बंधन का भी आप रखिए। तो दोस्तों, बंधन बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, कुछ कुछ स्टॉक्स इनके भी ले लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे आशा है कि मुझे आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आया होगा। और एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब येट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।